हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम नेशनल इवेंट्स को कवर करने वाले हैं। नेशनल इवेंट्स, इंटरनेशनल इवेंट्स, ये सारी चीज़ें सभी एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो यूपीएससी लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस का हो, चाहे सेंटर लेवल का कोई एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो। राष्ट्रीय घटनाक्रम और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, ये सारी चीज़ें हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर से बनते हैं। तो ये सारे, ये जो सेशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इंटरनेशनल इवेंट्स को हम इसमें कवर करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एसडीजी इंडिया इंडेक्स। एसडीजी इंडिया इंडेक्स चर्चा में क्यों है? 3 जून 2021 को नीति आयोग के द्वारा एसडीजी यानी सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड 2021 का तीसरा संस्करण जारी किया गया है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2021 भारत में संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से विकसित किया गया है। अब एसडीजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप समझेंगे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग ने डेटा संचालित मूल्यांकन के माध्यम से एसडीजीएस के संबंध में देश की प्रगति की निगरानी के लिए और उसे प्राप्त करने में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच प्रतिस्पर्धात्मक भावना को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2018 में अपना सूचकांक लॉन्च किया। नीति आयोग के पास देश में एसडीजीएस को अपनाने और उनकी निगरानी करने और राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बीच प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने का दोहरा अधिकार है। ये सूचकांक एजेंडा 2030 के तहत वैश्विक लक्ष्यों की व्यापक प्रकृति की अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि ये राष्ट्रीय प्राथमिकताओं से जुड़ा हुआ है। वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 अपनाया। ये 17 SDGs सशब्दी विकास लक्ष्यों को पूरा करने और कुछ अधिक दबाव वाली चुनौतियों से निपटने के लिए साहसिक प्रतिबद्धता है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-2021 एक ऑनलाइन डैशबोर्ड पर भी लाइव है, जिसकी नीतिगत, नागरिक समाज, व्यवसाय और शिक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक प्रासंगिकता है। राष्ट्रीय विश्लेषण। देश के समग्र एसडीजी स्कोर में 6 अंकों का सुधार हुआ। ये वर्ष 2019 के 60 से 2020-21 में 66 हो गया है, जो कि 2019 में 60 था, 2021 में ये 66 हो गया। वर्तमान में एस्पिरेंट अचीवर श्रेणी में कोई राज्य नहीं है। 14 राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश परफॉर्मर श्रेणी में है और 22 राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश फ्रंट रनर की श्रेणी में है। भारत ने वर्ष 2020 में स्वच्छ ऊर्जा, शहरी विकास और स्वास्थ्य से संबंधित एसडीजीएस में महत्वपूर्ण सुधार देखा है। हालांकि उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे के साथ साथ अच्छे काम और आर्थिक विकास के क्षेत्रों में बड़ी गिरावट आई है। राज्यवार प्रदर्शन कैसा रहा? केरल ने सूचकांक के तीसरे संस्करण में 75 के स्कोर के साथ रैंकिंग में शीर्ष पर अपना स्थान बरकरार रखा और उसके बाद तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश दोनों ने 74 स्कोर किया, 74 स्कोर। बिहार, झारखंड और असम सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य थे। हालांकि सभी राज्यों ने पिछले साल के स्कोर में कुछ सुधार दिखाया, जिसमें कि मिजोरम और हरियाणा ने सबसे अधिक सुधार किया है। अब आगे हम बात करेंगे भारत के जो 6 स्थल जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल है। ये 6 स्थल हैं। 19 मई 2021 को केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल की घोषणा के अनुसार भारत के 6 सांस्कृतिक विरासत स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है। इस सूची में शामिल किए गए जो स्थल हैं वो है वाराणसी के गंगा घाट, तमिलनाडु में कांचीपुरम के मंदिर, मध्य प्रदेश में सतपुरा टाइगर रिजर्व, मराठा सैन्य वास्तुकला, हीरे बेंकल मेगालिथिक साइट, मध्य प्रदेश में नर्मदा घाट के भेड़ा घाट, लंबेटा घाट। ये 6 विरासत स्थल है जो कि यूनेस्को की सूची में शामिल हुआ है। कौन कौन से हैं? बनारस के गंगा घाट, तमिलनाडु में कांचीपुरम के मंदिर, मध्य प्रदेश में सतपुरा टाइगर रिजर्व, मराठा सैन्य वास्तुकला, हीरे बेंकल मेगालिथिक साइट, मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी के भेड़ा घाट, लंबेटा घाट।
परिचालन दिशा निर्देश 2019 के अनुसार अंतिम नामांकन दाखिल करने से पहले किसी भी स्मारक अथवा साइट को 1 साल तक यूनेस्को विश्व विरासत की संभावित सूची में रखना अनिवार्य होता है। वर्तमान में इस संभावित सूची में भारत के 48 स्थल है, 48। विश्व विरासत स्थल को अंतर्राष्ट्रीय महत्व और विशेष सुरक्षा की आवश्यकता वाले प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित क्षेत्रों या फिर संरचनाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इन स्थलों को संयुक्त राष्ट्र और संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को के द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त होती है। विश्व धरोहर स्थलों की सूची यूनेस्को की विश्व विरासत समिति के द्वारा प्रशासित अंतर्राष्ट्रीय विश्व धरोहर कार्यक्रम के द्वारा तैयार की जाती है और इस समिति में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा निर्वाचित यूनेस्को के 21 सदस्य होते हैं, 21 मेंबर जो हैं वो शामिल होते हैं इसमें। विश्व विरासत स्थल के रूप में चयनित होने के लिए किसी स्मारक या फिर स्थल को पूर्व ही भौगोलिक एवं ऐतिहासिक रूप से विशिष्ट सांस्कृतिक या भौतिक महत्व वाले स्थल के रूप में अद्वितीय विशिष्ट स्थल चिन्ह अथवा प्रतीक के रूप में वर्गीकृत होना अनिवार्य है। आगे बात करेंगे हम COVID-19 संक्रमण की दूसरी लहर के बारे में। ये चर्चा में क्यों है? अप्रैल से जून 2021 के दौरान COVID-19 संक्रमण की दूसरी लहर ने देश को गंभीर रूप से प्रभावित किया और इसे संक्रमण की पहली लहर की तुलना में कहीं अधिक विनाशकारी माना जा रहा है। दूसरी लहर के दौरान संक्रमण के मामलों में तीव्रता से वृद्धि देखने को मिल रही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जनवरी 2021 तक संक्रमण के मामलों के बावजूद लोग व्यापक स्तर पर एकत्रित होने लगे और सामाजिक सभाओं का आयोजन किया जाने लगा। सरकार के द्वारा नियमों में ढील दी गई और उल्लंघन की स्थिति में किसी भी तरह की कोई भी जुर्माना लगाए जाने के प्रावधानों को भी सीमित कर दिया गया। मतदान केंद्रों के बाहर लगी लंबी कतारों और सभी दलों की चुनावी रैलियों के दौरान COVID-19 से संबंधित प्रोटोकॉल और नियम कानूनों को दरकिनार कर दिया गया, जिससे कि जनता और जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले अधिकारियों के बीच एक भ्रामक संदेश का प्रचार हुआ, जिसने कि महामारी के विरुद्ध सभी सुरक्षा उपायों को कमजोर करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत में COVID-19 के 1.2 करोड़ से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें कि महामारी का प्रकोप अधिकांशतः शहरों, विशेष रूप से बड़े शहरों में देखने को मिला है, क्योंकि इन शहरों में अधिक गतिशीलता के कारण वायरस आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित हो जाता है। संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान कंटेनमेंट जोन के निर्धारण संबंधी नियमों का सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा है। शहरों में सरकार के द्वारा अधिकारियों से माइक्रो कंटेनमेंट की अवधारणा को अपनाने के लिए कहा जा रहा है, जिसके तहत एक मंजिल या एक घर को ही कंटेनमेंट जोन के रूप में परिभाषित किया जाता है। मानव कारकों के अलावा कोरोना वायरस में हुआ उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन दूसरी लहर के प्रमुख कारणों में से है। वैज्ञानिक ने SARS-CoV-2 जो कि COVID-19 की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी वायरस है, इसके कई उत्परिवर्तित संस्करणों की खोज की है। इनमें हुए कुछ उत्परिवर्तन वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न वॉक की उत्पत्ति का कारण है। आगे हम बात करेंगे राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के बारे में। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस चर्चा में क्यों रहा? भारत ने 24 अप्रैल 2021 को 12वां राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस नेशनल पंचायती राज डे के रूप में मनाया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत ई संपत्ति कार्ड वितरण का शुभारंभ किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2010 में मनाया गया था। तब से भारत में हर वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर पंचायती राज मंत्रालय देश भर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों अथवा राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों को पुरस्कृत करता है। ये पुरस्कार जिन जिन श्रेणियों के अंतर्गत दिए जाते हैं वो श्रेणी हैं, दीनदयाल उपाध्याय पंचायत शक्तिकरण पुरस्कार, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, बाल सुलभ ग्राम पंचायत पुरस्कार, ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार और ई पंचायत पुरस्कार, जो कि केवल राज्यों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों को दिया गया। और ऐसा पहली बार हुआ है कि आयोजन के समय ही जो पुरस्कृत राशि है वो पंचायतों के खाते में सीधे भेजी गई हो। आगे हम बात करेंगे
हजीरा बंदरगाह और दीव द्वीप समूह को जोड़ने वाली नई क्रूज सेवा का शुभारंभ। 31 मार्च 2021 को केंद्रीय पोत परिवहन, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा हजीरा बंदरगाह, जो कि सूरत गुजरात में है, और दीव द्वीप समूह को जोड़ने वाली नई क्रूज सेवा का वर्चुअल माध्यम से हजीरा से शुभारंभ किया गया। क्रूज जहाज हजीरा से प्रत्येक सोमवार और बुधवार को रवाना होगा और ये अगले दिन सुबह दीव पहुंचेगा एवं उसी दिन शाम को दीव से रवाना होकर के अगले दिन सुबह हजीरा पहुंचेगा। दोनों स्थानों की एक तरफ की यात्रा में 13 से 14 घंटे का समय लगेगा। 16 केविन वाले इस क्रूज जहाज में 300 यात्री बैठ सकते हैं। जल शक्ति अभियान कैच द रेन का शुभारंभ। 22 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जल शक्ति अभियान कैच द रेन का शुभारंभ किया। ये अभियान देश भर के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में एक साथ कैच द रेन, जहां भी जब भी संभव हो वर्षा का जल संग्रह करे, इस शीर्षक के साथ चलाया जाएगा। इस अभियान को मानसूनी वर्षा की शुरुआत से पहले और मानसूनी वर्षा के मौसम की समाप्ति के बीच 30 मार्च 2021 से 30 नवंबर 2021 की अवधि में कार्यान्वित किया जाएगा। इसका उद्देश्य वर्षा जल के समुचित संग्रह को सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित हितधारकों को सक्रिय करना है, ताकि वो अपने अपने क्षेत्रों के मौसम और भूगर्भीय संरचना के हिसाब से वर्षा का जो जल है वो संरक्षण के लिए आवश्यक निर्माण का काम कर सके। आगे बात करेंगे 11वां इंडिया गेम 2021। 13 से 19 मार्च 2021 तक नई दिल्ली में रसायन और पेट्रो रसायन विभाग द्वारा फिक्की के सहयोग से 11वें इंडिया केम 2021 का आयोजन किया गया। इस आयोजन का मूल विषय भारत रसायन एवं पेट्रोकेमिकल के लिए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब था। इंडिया केम एशिया प्रशांत क्षेत्र में रासायनिक और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र के सबसे बड़े आयोजनों में से एक है। इस क्षेत्र में द्विपक्षीय व्यापार और निवेश के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से 19 मार्च को भारत जापान रसायन एवं पेट्रोकेमिकल फोरम, भारत यूरोपीय संघ केमिकल एवं पेट्रोकेमिकल फोरम और भारत अमेरिका केमिकल एवं पेट्रोकेमिकल फोरम नामक तीन द्विपक्षीय कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। आगे बात करते हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव। 12 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री के द्वारा देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव इंडिया एट द रेट 75 का शुभारंभ एवं आज़ादी का अमृत महोत्सव वेबसाइट लॉन्च किया गया। ध्यातव्य है कि ये आयोजन 15 अगस्त 2022 से 75 सप्ताह पहले प्रारंभ हुआ है, जो कि 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। इस अवसर पर अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से नवसारी के दांडी तक पदयात्रा निकाली गई। इस पदयात्रा के तहत कुल 81 पदयात्रियों को रवाना किया गया। ये 241 मील लंबी यात्रा थी, जो कि 25 दिनों तक चली और 5 अप्रैल 2021 को समाप्त हुई। उल्लेखनीय है कि 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी के द्वारा की गई दांडी यात्रा के 91 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ये यात्रा आयोजित की गई है। गौरतलब है कि इस मेगा इवेंट में इंडिया एट द रेट 75 थीम के तहत नियोजित गतिविधियों जैसे कि वेबसाइट, फिल्म आत्मनिर्भर चरखा, गीत और आत्मनिर्भर इंक्यूबेटर के उद्घाटन जैसे अनेक कार्यक्रम शामिल थे। आगे बात करते हैं तीरथ सिंह बने उत्तराखंड के नए सीएम। 10 मार्च 2021 को तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री चुना गया। गढ़वाल से सांसद रहे तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नौवे मुख्यमंत्री बने हैं। उल्लेखनीय है कि इससे पहले मार्च 2017 से त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे, लेकिन उन्होंने 9 मार्च 2021 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। गौरतलब है कि राज्य के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत 2000 में उत्तराखंड के प्रथम शिक्षा मंत्री चुने गए थे और इसके बाद 2007 में उत्तराखंड के प्रदेश महामंत्री चुने गए। वे उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं।
प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि को मंजूरी। 10 मार्च 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक सिंगल नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड के रूप में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि PMSSN बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर की आय से स्वास्थ्य के हिस्से के लिए अनुमोदित किया गया है, जो कि वित्त अधिनियम 2007 की धारा 136B के तहत लगाया जाता है। ये सार्वजनिक खाते में स्वास्थ्य के लिए नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड है। इस फंड में स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर में स्वास्थ्य की हिस्सेदारी से प्राप्त आय शामिल होगी। कोष में इस राजस्व का उपयोग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान भारत, स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना सहित स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं के लिए और आपातकालीन और आपदा के लिए तैयारी और स्वास्थ्य आपात के मामलों में प्रतिक्रियाओं के लिए किया जाएगा। आगे बात करेंगे नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2021। 6 से 9 मार्च 2021 तक नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला का 29वां संस्करण आयोजित किया गया। पूर्णतः वर्चुअल तरीके से आयोजित इस मेले का उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 5 मार्च 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया है। प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले ये वार्षिक पुस्तक मेला कोविड-19 महामारी के कारण पहली बार वर्चुअली आयोजित किया गया। इस पुस्तक मेले का विषय राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 था। गौरतलब है कि NEP 2020 को पिछले साल केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित किया गया था, जो कि मौजूदा शिक्षा नीति में कई महत्वपूर्ण बदलावों का प्रस्ताव करती है। आगे बात करेंगे इज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020। 4 मार्च 2021 को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के तत्वाधान में इज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 जारी किया गया। इस सूचकांक में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों और 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों के लिए रैंकिंग की घोषणा की गई है। 10 लाख से अधिक की आबादी वाले भारतीय शहरों की सूची में बंगलुरु कर्नाटक प्रथम स्थान पर रहा है, जबकि पुणे महाराष्ट्र और अहमदाबाद गुजरात दूसरे और तीसरे स्थान पर रहा है। सूचकांक के अनुसार बरेली उत्तर प्रदेश, धनबाद झारखंड और श्रीनगर जम्मू कश्मीर में इज ऑफ लिविंग सबसे कम है। 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों की सूची में शिमला हिमाचल प्रदेश को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, शिमला को, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, जबकि दूसरे स्थान पे भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा में है उसको दिया गया है। इस श्रेणी में बिहार के मुजफ्फरपुर शहर को सबसे निचला स्थान दिया गया है। गौरतलब है कि ये सूचकांक एक मूल्यांकन उपकरण है, जो कि शहरी क्षेत्रों में विकास के लिए जीवन की गुणवत्ता और कई पहलों के प्रभाव का मूल्यांकन करता है। आगे बात करेंगे नगरपालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020। 4 मार्च 2021 को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा इज ऑफ लिविंग सूचकांक के साथ ही नगरपालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 की अंतिम रैंकिंग को जारी की गई। रैंकिंग में नगरपालिकाओं को उनकी आबादी के आधार पर 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। पहली श्रेणी में मिलियन प्लस श्रेणी और दूसरी मिलियन से कम की श्रेणी। मिलियन प्लस अथवा 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी के अंतर्गत इंदौर नगरपालिका पहले स्थान पर है, इसके बाद सूरत दूसरे, फिर भोपाल का स्थान है। मिलियन से कम, जो कि मतलब कि 10 लाख से जो कम है, उन आबादी वाली श्रेणी के अंतर्गत नई दिल्ली नगरपालिका परिषद शीर्ष स्थान पर है और इसके बाद तिरुपति और गांधीनगर का स्थान है। गौरतलब है कि MPI द्वारा 111 नगरपालिकाओं, जो कि दिल्ली के NDMC और 3 नगर नियमों के लिए अलग से मूल्यांकन किया गया, उसके 5 स्तंभों सेवाएं, वित्त, नीति, प्रौद्योगिकी और प्रशासन में क्षेत्रवार किए गए प्रदर्शन की जांच की गई। इन 5 स्तंभों में कुल मिलाकर के 20 क्षेत्र और 100 संकेतक शामिल हैं। आगे बात करेंगे स्वच्छता सारथी फेलोशिप वेस्ट टू वेल्थ मिशन। 1 मार्च 2021 को भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यकाल में अपने वेस्ट टू वेल्थ मिशन के अंतर्गत स्वच्छता सारथी फेलोशिप की शुरुआत की। इस फेलोशिप का उद्देश्य उन छात्रों, स्वयं सहायता समूहों, सफाई कर्मचारियों आदि को प्रोत्साहन प्रदान करना है, जो कि निरंतर अपने प्रयासों में शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में कचरों को कम करने में लगे हुए हैं। इस फेलोशिप के अंतर्गत प्रोत्साहन पुरस्कार को 3 अलग अलग श्रेणियों,
श्रेणी ए, बी और श्रेणी सी में बांटा गया है। श्रेणी ए 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के उन स्कूली विद्यार्थियों को लिया गया है जो कि सामुदायिक स्तर पर कचरा प्रबंधन के कार्यों में लगे हुए हैं। श्रेणी बी के अंतर्गत कॉलेज में जो कि स्नातक, परास्नातक और शोध हो, कॉलेज के उन छात्रों को प्रोत्साहन मिलेगा जो कि सामुदायिक स्तर पर कचरा प्रबंधन में लगे हुए हैं। श्रेणी सी के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से समुदाय में कार्य कर रहे उन नागरिकों, नगर निगम कर्मियों और स्वच्छता कर्मियों को प्रोत्साहन मिलेगा जो कि अपने उत्तरदायित्व से आगे बढ़कर के काम कर रहे हैं। गौरतलब है कि वेस्ट टू वेल्थ मिशन प्रधानमंत्री की विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद यानी PMSTIAC के 9 राष्ट्रीय मिशनों में से एक है। ये मिशन स्वच्छ भारत और स्मार्ट शहर जैसी परियोजनाओं में मदद करेगा। आगे हम बात करेंगे, ई टेंडरिंग पोर्टल प्रणीत लॉन्च किया गया। हाल ही में विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय प्रतिष्ठान पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने एक ई टेंडरिंग पोर्टल प्रणीत को लॉन्च किया है। इस पोर्टल की सहायता से कागजी काम में कमी आएगी, संचालन में सुगमता होगी और निविदा प्रक्रिया जो है वो अधिक पारदर्शी होगी। इसे भारत सरकार के मानवीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय यानी STQC द्वारा प्रमाणित किया गया है। इसके साथ ही पावर ग्रिड यानी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत का एकमात्र संगठन बन गया है जिसके पास STQC द्वारा निर्धारित सुरक्षा और पारदर्शिता मानकों के परिपालन करने वाले SAP सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट यानी SRM पर ई खरीद सॉल्यूशन है। आगे बात करते हैं भारतीय खिलौना मेला 2021। 27 फरवरी 2021 को भारतीय खिलौना मेला 2021 के प्रथम संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया है। इस मेले में कारीगरों और स्कूलों से लेकर के बहुराष्ट्रीय कंपनियों सहित 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 1000 से अधिक प्रदर्शकों ने हिस्सा लिया। सरकार ने खिलौना उद्योग को देश के 24 प्रमुख सेक्टर में स्थान दिया। इसके तहत राष्ट्रीय खिलौना कार्य योजना तैयार की गई। इस मेले के माध्यम से डिज़ाइन, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी से लेकर के मार्केटिंग, पैकेजिंग के बारे में भी चर्चा परिचर्चा की गई और अनुभव भी साझा किया गया। इस मेले में भारत में ऑनलाइन गेमिंग उद्योग और ई स्पोर्ट उद्योग के इकोसिस्टम के बारे में जानने का अवसर प्राप्त हुआ। आगे बात करते हैं 5 राज्यों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विधानसभा आम चुनाव की घोषणा। 26 फरवरी 2021 को भारत के निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ने 4 राज्यों असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल और एक संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी में विधानसभा आम चुनाव के तारीख की घोषणा कर दी थी। इन 5 राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 18 करोड़ मतदाताओं वोट डाले हैं। केरल और पुदुचेरी में मतदान केंद्र भी बढ़ाए गए हैं। COVID-19 को ध्यान में रखते हुए इस बार सभी पोलिंग स्टेशनों पर मास्क, सैनिटाइजर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए जाएंगे और वरिष्ठ नागरिकों के लिए वॉलंटियर की तैनाती की जाएगी। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में 294 सीटों वाली विधानसभा के लिए 8 चरणों में मतदान किया गया। प्रथम चरण में 27 मार्च को 30 सीटों पर, द्वितीय चरण में 1 अप्रैल को 30 सीटों पर और तीसरे चरण में 6 अप्रैल को 31 सीटों पर, चौथे चरण में 10 अप्रैल को 44 सीटों पर, पांचवें चरण में 17 अप्रैल को 45 सीटों पर, छठे चरण में 22 अप्रैल को 43 सीटों पर, सातवें चरण में 26 अप्रैल को 36 सीटों पर और आठवें और अंतिम जो चरण रहा उसमें 29 अप्रैल को 35 सीटों पर मतदान किया गया। मतगणना 2 मई को की गई। असम की बात करें तो उत्तर पूर्व के सबसे बड़े राज्य असम में 126 विधानसभा सीटों के लिए 3 चरणों में मतदान किया गया। प्रथम चरण था 27 मार्च को 47 सीटों पर हुआ, दूसरा चरण 1 अप्रैल को था 39 सीटों पर, तीसरे चरण जो कि अंतिम चरण रहा 6 अप्रैल को 40 सीटों पर मतदान किया गया। मतगणना 2 मई को की गई। वहीं तमिलनाडु की बात करें तो दक्षिण भारत के सबसे बड़े राज्य तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों पर 1 चरण में चुनाव संपन्न किया गया। राज्य की सभी सीटों पर मतदान 6 अप्रैल को और मतगणना 2 मई को हुई। केरल,
कांग्रेस और लेफ्ट के गढ़ कहे जाने वाले केरल में भी एक चरण में 6 अप्रैल को राज्य की सभी 140 सीटों पर वोटिंग की गई। और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की बात करें तो इसमें एक चरण में सभी 30 सीटों पर चुनाव संपन्न कराया गया। संघ राज्य क्षेत्र की सभी सीटों पर 6 अप्रैल को मतदान और 2 मई को मतगणना की जाएगी। आगे बात करते हैं, स्वच्छ पर्यटन स्थलों के लिए 12 स्थलों का चयन हुआ। हाल ही में पेयजल और स्वच्छता विभाग ने जल शक्ति मंत्रालय के तहत स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थल पहल के चरण चौथे के तहत स्वच्छ पर्यटन स्थल के रूप में परिवर्तित करने के लिए देश भर के 12 प्रतिष्ठित स्थलों का चयन किया है। ये स्थल है अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में, सांचे स्तूप मध्य प्रदेश का, कुंभलगढ़ किला जो कि राजस्थान में है, जैसलमेर का किला राजस्थान, रामदेवरा जैसलमेर राजस्थान, गोलकोंडा किला हैदराबाद तेलंगाना, सूर्य मंदिर कोणार्क ओडिशा का, रॉक गार्डन चंडीगढ़ का, डल झील श्रीनगर जम्मू और कश्मीर का, बांके बिहारी मंदिर मथुरा उत्तर प्रदेश का, आगरा का किला उत्तर प्रदेश का और कालीघाट मंदिर पश्चिम बंगाल का। आगे बात करते हैं, प्रधानमंत्री ने 36वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। 24 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 36वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में 8 परियोजनाओं सहित 10 विषयों की समीक्षा की गई। 8 परियोजनाओं में सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय की 3, रेल मंत्रालय की 2, ऊर्जा मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा केंद्रीय गृह मंत्रालय की 1-1 परियोजनाएँ शामिल है। लगभग 44,545 करोड़ रुपए की संचयी लागत वाली ये 8 परियोजनाएं 12 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, ओडिशा, झारखंड, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, मिजोरम, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार और मेघालय से संबंधित है। इससे पहले हुई 35 प्रगति बैठकों में प्रधानमंत्री ने 13.60 लाख करोड़ रुपए की 290 परियोजनाओं की समीक्षा की थी। आगे बात करते हैं, वोकल फॉर लोकल थीम पर 26वां हुनर हाट 20 फरवरी 2021 को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा वोकल फॉर लोकल थीम पर आधारित 26वां हुनर हाट नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आरंभ किया गया। हालांकि इस हुनर हाट का औपचारिक उद्घाटन 21 फरवरी 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। ये हुनर हाट 1 मार्च 2021 तक आयोजित किया गया। हुनर हाट में 31 से ज़्यादा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 600 से ज़्यादा कारीगर और शिल्पकारों ने हिस्सा लिया। ई छावनी पोर्टल की शुरुआत 16 फरवरी 2021 को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ई छावनी पोर्टल की शुरुआत की। ये पोर्टल देश भर के 62 छावनी बोर्डों के लगभग 20 लाख निवासियों को नागरिक नगर पालिका संबंधी सेवाएँ ऑनलाइन प्रदान करेगा। ये पोर्टल ई गांव फाउंडेशन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL, डायरेक्टरेट जनरल डिफेंस एस्टेट्स यानी DGDE और नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर यानी NIC के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। आगे बात करते हैं आदि महोत्सव 2021 के बारे में। राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव 2021 का आयोजन 1 से 15 फरवरी 2021 के बीच किया गया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने दिल्ली के INA स्थित दिल्ली हॉट में इस महोत्सव का उद्घाटन किया। इस महोत्सव का उद्देश्य देश भर के आदिवासी समुदायों की समृद्ध परंपराओं, शिल्प और संस्कृति का एक मंच पर प्रदर्शन करना है। गौरतलब है कि ये महोत्सव ट्राइफेड जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा 2017 से आयोजित किया जा रहा है। आगे बात करेंगे राष्ट्रीय बागवानी मेला यानी NHF 2021 8 से 12 फरवरी 2021 के बीच बंगलुरु में राष्ट्रीय बागवानी मेला NHF 2021 का आयोजन किया गया। इसका वर्चुअली उद्घाटन केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री कैलाश चौधरी द्वारा किया गया। इस 5 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च यानी IIHR के द्वारा बंगलुरु के हेसरघट्टा स्थित IIHR कैंपस में किया गया। पहली बार इस कार्यक्रम को हाइब्रिड मोड में आयोजित किया गया यानी प्रतिभागियों को ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति दी गई। गौरतलब है कि इस मामले में अत्याधुनिक तकनीकों, फसल किस्मों, कीट और रोग प्रबंधन अभ्यासों एवं प्रसंस्करण विधियों का प्रदर्शन किया गया।